पर फिर मैं आपके साथ हूँ। और आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ जो नॉन वेज लवर्स हैं उनके लिए, तो प्लीज़ जो वेज वाले वो मुझे गाली मत देना, क्योंकि एक्चुअली आई एम ऑल्सो नॉन वेज लवर। सो आज मैं जहाँ आपको ले जाने वाली हूँ ये है नैनीताल की तरफ, जाते हुए पड़ता है एक नैना गाँव, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटन अंकल यहाँ पर पिछले 35 सालों से बना रहे हैं। तो आप जब भी नैनीताल घूमने आए, हल्द्वानी से आते हुए करीब 25 किलोमीटर के पास आते आते एक नैना गांव पड़ता है, जहाँ पर ठीक आपके सड़क के नीचे आपको ये शॉप छोटी सी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मटन चावल यानी कि मटन एंड राइस खाने को मिलेगा। सो वेलकम। मटन बनता है ना, या बढ़िया खाता हूँ मटन। अब देखें कितना सुंदर ये नज़ारा है। ये ठीक आप जब सड़क पर ऊपर नैनीताल की तरफ जब जा रहे होंगे तो आपको ज़्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड के नीचे ही आपको छोटा सा ये बड़ा सुंदर सा प्यारा सा गांव का रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ पर अंकल के हाथ का स्वादिष्ट आपको मटन सूप भी पीने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा ये देखो प्याज इन्होंने काटे हुए हैं, बढ़िया सलाद वलाद डाल के एकदम मस्त टेस्टी सा मटन ये बनाते हैं, जो कि हम भी खाने के लिए पहुँचे थे। और अब थोड़ा अंकल जी से बात करते हैं और जानते हैं कि अंकल आखिर कब से यहाँ पर अपना ये मटन राइस का जो उन्होंने दुकान खोली हुई है, आखिर वो कितने टाइम से इस पर काम कर रहे हैं। पंजाब हाँ। सब आते नहीं जो महाराष्ट्र से आए थे, तीन लोग आए थे। अच्छा। एक प्लेट मिली उनको 2 बजे, एक प्लेट 3 आदमी ने खाया। अच्छा। और कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? कितने साल हो गए? 34 साल। 34 साल ना भाई साहब, 34 साल लगातार यहाँ पे लगे हुए आप, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो बरसात हो रोज आना होगा ना। दुकान खुली है, मंगल को बंद है। अच्छा, मंगल को बंद रहती है, कल बनती मतलब? मंगल बंद, 16 नौ नौ नवरात्र में बंद होती है, श्राद्ध में बंद कट रहे हैं। एक दिन में वैसे रोज ही नहीं काटते, मगर 2 या 3 दो तीन कट जाते हैं। नेचुरल टच में जो दुकान है आपका, जो टेस्टी खाना है ना, बस ये हाँ बस। और बताओ अंकल, बोलते जाओ कुछ, बताते जाओ कुछ। नाम क्या बता दीजिए? मेरा चंदन सिंह गैड़ा। चंदन सिंह गैड़ा, हम गैड़ा लोग हैं। अच्छा। और अब पहाड़ गाँव आपका? पहाड़ मोड़ा गराड। गराड से ही हो आप? मुराबाद गराड, जो मुराबाद की चाची जो है ना, हम गड़ा भी टूकी है, वहाँ पर अन्य जाति और भी है। अच्छा। जैसे पांडी और ऐसे लोग, ये लोग हैं वहाँ पर। बढ़िया अंकल यार, जब भी हम आते हैं यहाँ से नीचे आते हैं तो खाना ही खाना है मतलब आपका। अभी भी ये कह रहा था कि बंद होगा, मैं कह रुक जाएंगे भले, क्योंकि बड़ा टेस्ट लगता है। तो कभी कभार कोई पूजा पाठ वाला दिन बढ़िया या कोई पूर्णिमा की बढ़िया तब बन जाता है।
रोज का एक ही डिश आपका है, मटन चावल, यही बहुत लोग पसंद करते नहीं? मैं चाय भी नहीं बनाते ना। हाँ तो चाय तो बना सकते हो अंकल, कई लोग नखरे करते हैं। नहीं चाय तो ऐसा होगा ना, यहाँ से रुक के भी लोग पी लेंगे, ठंडा इतना होता है। दाल भी नहीं बनाते, राइस ही भेजनी है तो दाल बना के किसी का नियमों का भंग करना बेकार है। साफ सुथरा बनाओ, दो ही आइटम बनाओ अच्छे, मटन चावल में बढ़िया, ना चिकन ना कुछ और। चिकन तो ऑर्डर में बना देता हूँ, देसी चिकन किसी ने ऑर्डर दिया। अच्छा ऑर्डर में बनाते चिकन, ड्राई चिकन। अच्छा वैसे मटन ही हुआ आपको एकदम स्पेशल, मटन स्पेशलिस्ट। वो खाओ ना या तो देसी खाओ, तो बॉयलर पोल्ट्री फार्म के क्या खाने, उससे बेहतर तो आलू सूखे आलू खाओ। वैसे सच में मटन ही करी खाओ तो फायदे की। वैसे एक बात मैं बताऊँ, आप साइंटिस्ट होंगे जरूर, और मुर्गी की करी के भूल के भी मत खाओ। क्यों? जंगली हो या देसी हो, हानिकारक, हाँ नुकसान करते हो। अच्छा मुझे कुछ अच्छी बताइए ना, यम्मी बढ़िया है। नहीं कोई नहीं, मैं चावल कम ही ले रहा हूँ आजकल ना।